ईश्वर को वही पा सकता है जिसके अंदर उस बाण बनाने वाले की तरह तन्मयता हो, एकाग्रता हो, है ना। मन को एकाग्र करना पड़ता है। भरत जी जंगल गए पत्नी परिवार को छोड़कर, पर वहां मन को एकाग्र ना कर पाए। एक मृग के बच्चे को जो पानी में बह रहा था उसे अपनी कुटिया पर ले आए और भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया और वो दिन भर उसी के आगे पीछे भरत जी डोले, भजन करना छूट गया। मृग से इतनी आसक्ति हो गई कि जब मृग जंगल में चला गया और भरत जी की मृत्यु का समय आया तो भरत जी ने मरते हुए सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे इस मृग का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा। तब भरत जी ने उस मृग का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिया। और गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। अंत समय पर जो मेरा चिंतन करता है वो मुझे प्राप्त करता है और जो जिसका चिंतन करता है वो उसे प्राप्त करता है। मतलब आप भगवान का चिंतन करते मरेंगे तो भगवान को प्राप्त होंगे और किसी वस्तु का चिंतन करेंगे, स्त्री पुरुष का चिंतन करते मरेंगे तो आप स्त्री पुरुष की योनि को प्राप्त होंगे। आप पशु पक्षी का चिंतन करते मरेंगे, पशु पक्षी का शरीर पाएंगे। आप धन का चिंतन करते मरेंगे तो सांप का शरीर पाएंगे और नाना प्रकार की योनियों में जाकर भटकना पड़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मेरा चिंतन करते मर, इसलिए कहते हैं कि जब प्राण निकले तब चिंतन केवल भगवान का। सावधान, हाँ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। भगवान का चिंतन करते प्राण जाए इससे बढ़िया बात नहीं होगी।